होम स्वीट होम, हम फाइनली घर वापस पहुंच गए हैं। हम 2 दिनों के लिए वापस मुंबई गए थे, उसके बारे में हम लोग थोड़े टाइम के बाद बात करेंगे। पर कल हमारा तीसरा और आखिरी लो कार्ब दिन था, और मुझे इन 3 लो कार्ब डेज के जो भी अक्यूमुलेटिव कंबाइंड एक्सपीरियंसेस है वो सब आपके साथ शेयर करने हैं। यूजुअली जब हम फास्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमारा बॉडी वेट लेते हैं, तो वो जो भी नंबर आता है उसके कंपैरिजन में अगर हम रात को सोने के पहले खाना पानी ये सब होने के बाद अपना वज़न लेंगे, तो वो हमेशा अपने मॉर्निंग वेट से ज़्यादा आता है, राइट? इन पिछले 3 दिनों में मैंने एक बहुत क्रेज़ी चीज़ एक्सपीरियंस की। पीक वीक के पहले लो कार्ब डे पे मेरा जो भी वेट था वो वेट मैंने नोट डाउन किया, और रात को सोने के पहले मैं कोच सर को वापस अपना वेट भेजता था जस्ट टू चेक कि डिप्लीशन प्रोसेस वो सब ठीक से चल रही है कि नहीं। तो हम दोनों वेट और फिजिक फोटोज़ ये AM और PM दोनों वक्त ले रहे थे, और मैं नोटिस कर रहा था कि PM में लास्ट मील करने के पहले रात को मेरा जो वेट आ रहा था वो ऑलमोस्ट 500 से 600 ग्राम्स कम था कंपेयर टू माय मॉर्निंग वेट। और ये जो ट्रेंड है ये थ्रू आउट द डेज ऐसे कंटिन्यू होता गया, और कल सुबह हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 66.9 kgs पे उठे, और सोने से पहले हमारा वेट 66.3 था। तो हम थ्रू आउट द डे 600-700 ग्राम्स मोस्ट लाइकली वाटर वेट हमारे बॉडी से फ्लश आउट कर रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट हम रात को बहुत ही लाइट बहुत ही लीन ऐसे उठ रहे थे। अब फिजीक की अगर बात आई तो मैं कल रात तक कम्प्लीटली फ्लैट था, कम्प्लीटली डिप्लीटेड। बहुत ही कूल एक्सपीरियंस था। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो मैं शायद इन कॉर्नर्स में डालूँगा। मैंने अपने खुद के फिजीक को इतना फ्लैट कभी नहीं देखा है, स्पेशली रात को मील खाने के बाद। हम यूजुअली ऐसे थोड़े से ब्लोटेड हो जाते हैं, सबको पता है नेचुरल प्रोसेस है। पर लास्ट थिंग बिफोर स्लीपिंग कल रात को मैं यहाँ पर ऐसे वेन्स देख रहा था, एब्स ऐसे पॉप आउट हो रहे थे, लोअर बैक बिना फ्लेक्स किए वो सब स्ट्राइशंस क्रिसमस ट्री वो सब विजिबल था। सो 3 लो कार्ब डेज अब ख़त्म हो चुके हैं। कल का लो कार्ब डे आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कल उठने के पहले हमने 2 दिन ऑलरेडी डिप्लीशन किया था, और कल मुझे ट्रैवल भी करना था, इसीलिए जिम सुबह सुबह होके हम डायरेक्टली पुणे रेलवे स्टेशन गए। अवधूत ने हमें ड्रॉप किया, और जर्नी के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट प्लेन चिकन ब्रेस्ट ये बॉईल करके रखा हुआ था। तो पूरा दिन मैंने कैसे तो करके सर्वाइव किया, वो खाया पनीर खाया, और उसके बाद हम कॉन्सर्ट के लिए गए। सो हेडेक्स बहुत आ रहे थे, ट्रैवल करते वक्त मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था। मैंने आई थिंक ये पास्ट में भी मेंशन किया है, हमारे ब्रेन का फेवरेट फ्यूल सोर्स ग्लूकोज है, सिंपल भाषा में इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। और 2 दिन 3 दिन कार्ब्स ना खाने की वजह से मैं ये नोटिस कर रहा था कि जो डेली टास्क होते हैं जो डेली ब्रेन एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, काफ़ी ब्रेन फॉग था। और एंड्रॉयड फ़ोन्स जैसे लैग करते हैं ना पुराने पुराने, वैसे मेरा ब्रेन थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। मैं उतरा थाने स्टेशन को, वहाँ से मुझे मरोल जाना था, तो वो जो भी लोकल पकड़ो मेट्रो पकड़ो वो सारी चीज़ें जो यूजुअली बहुत स्मूथली होती है उसके लिए आई वॉज़ लाइक क्या ये सही स्टेशन है, ट्रेन कब आ रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म, ऐसे मैं बहुत सेकंड गेस कर रहा था। पर वो थे 3 लो कार्ब डेज, आज से हमारा पहला रिफीड हाई कार्ब डे शुरू होता है। सो हम मुंबई एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए गए थे। इलेनियम करके एक आर्टिस्ट है जिसका मैं 2016 से एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और 2016 से लेके कोविड तक मैंने इलेनियम की जर्नी काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है। और 2020 में VH1 सुपरसोनिक जब पुणे में हुआ था, VH1 सुपरसोनिक एक ऐसा म्यूज़िक फेस्टिवल है जो साल में एक बार होता है इन फेब्रुअरी, तो कोविड आई थिंक मार्च में शुरू हुआ, उसके एक महीना पहले
हम सब अपने दोस्तों के साथ सुपरसोनिक गए थे एलेनियम को लाइव देखने के लिए। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फीड पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक वीडियो दिखेगा जहाँ पर मैं आर्यन के कंधों पे ऐसे बैठा हूँ, एलेनियम का आउट्रो चल रहा है और हवे में कन्फेटी है, लेज़र्स है, लाइट्स है। तो वो 2020 का एलेनियम एक्सपीरियंस था। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो एलेनियम का फर्स्ट टाइम इन इंडिया था। सो वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। आई रिमेम्बर 2019, 2020 ये जो फेज़ है ये एज एन एलेनियम फैन मेरे लिए सबसे ऊपर है। स्पॉटिफाई का हर साल एक म्यूज़िक रिकैप आता है, उन दोनों सालों में आई थिंक एलेनियम मेरा मोस्ट लिसन टू आर्टिस्ट था। और जब मुझे पता चला कि एलेनियम वापस दूसरी बार इंडिया आ रहा है एक इंडिया टूर करने के लिए, तो मैंने 2 महीने पहले जैसे ही सनबर्न ने वो अनाउंसमेंट की मैंने टिकट्स बुक कर लिए। मुझे 999 के लिए एक पास पड़ा क्योंकि अर्ली बर्ड के जो भी पासेस होते हैं वो हमेशा सस्ते ही होते हैं। तो मैंने वो पास बुक किया और मैं काफ़ी एक्साइटेड था। इवन दो मैं आजकल एलेनियम को इतना ज़्यादा सुनता नहीं, पर हिज़ म्यूज़िक हैज़ बिन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने बोला कि ठीक है, एलेनियम मुंबई आ रहा है, बेंगलुरु आ रहा है और दिल्ली आ रहा है, और पुणे से मुंबई बहुत ही पास है। तो वैसे ये पूरा एलेनियम का प्लान बना। पर आई हैव टू से इस साल के कॉन्सर्ट से मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ऑब्वियसली ये एक सनबर्न अरीना का शो होने की वजह से सनबर्न जितना बड़ा स्टेज होने तो नहीं वाला, पर इवन फॉर अ सनबर्न अरीना स्टेज आई फील लाइक ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा छोटा था। स्टेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स बन सकते थे इज़ वॉट आई फील। दूसरी चीज़, जो भी फूड स्टॉल्स, अल्कोहल स्टॉल्स वो सब रहते हैं, उनके लाइट्स इतने ज़्यादा ब्राइट थे कि वो सॉर्ट ऑफ स्टेज के विजुअल्स को थोड़ा सा ओवरपावर कर रहा था। और वो लाइट्स इतने ब्राइट होने की वजह से लेज़र बीम्स, लाइट्स, विजुअल्स वो इतने पॉप नहीं हो रहे थे। एंड आई फील लाइक आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी और नॉट, अगर आपने भी ये शो अटेंड किया तो प्लीज़ कमेंट करना वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आई फील लाइक स्पीकर में कुछ गड़बड़ थी, जब भी किक हिट हो रही थी आई फील लाइक सब कुछ बहुत अजीब सा साउंड कर रहा था, बहुत मफल्ड साउंड कर रहा था। सो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस, पर पॉजिटिव यह है कि एटलीस्ट आई गॉट टू अटेंड इट। मैं खुश हूँ, जो भी पुराने गाने मैं एलेनियम के सुनता था वो सारे मुझे वापस लाइव देखने को मिले और अच्छा था। अभी मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इसीलिए मुझे उसका एक्चुअल लाइव सेट ऐसे रट्टा नहीं था, पर जब मैं 2020 में गया था मुझे पता था कि वो इंट्रो क्या बजाएगा, उसके बाद क्या बजाएगा, आउट्रो क्या होगा। सो इट वॉज़ प्रेटी कूल। मुझे ये भी लगता है कि अब मैं लाइक आई एम स्टिल अ किड ओनली, लाइक मैं अडल्ट 40 ईयर ओल्ड नहीं हूँ, पर आई फील लाइक मुझे खुद के अंदर थोड़ी सी मच्योरिटी दिख रही है एटलीस्ट कंपेयर टू दैट टाइम। अगर मैं कंपेयर करने के लिए जाऊँ, वो टीनेज डेज थे ना, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, आप थोड़े से ज़्यादा फ्री होते हो। तो वो था इस कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस। ये जो साइट है, ये जो मेरे सामने है, इसके लिए मैं ऑनेस्टली इस प्रेप के पिछले 1 या 2 हफ्तों से रुका था। इतने वीडियोस में मैंने बोला है अब तो बस पीक वीक के काबब का इंतज़ार है, काबब का इंतज़ार है, और वो मोमेंट फाइनली आ गया है। ये टेक्निकली हमारा दूसरा मील है, पर इस मील के ऑनवर्ड्स सोने तक हमारा असली पावरफुल काबब चालू होने वाला है। इसके पहले का जो मील था वो एक टिफ़िन मील था, मैंने 2 एग सैंडविचेस कंज्यूम किए ट्रेन में ऑन द वे। पर काबब के प्लान्स एक्सप्लेन करने के पहले मुझे आपको एक बहुत फ़नी स्टोरी बतानी है। मैंने और कोच सर ने डिसाइड किया था कि हम 3 लो कार्ब डेज करेंगे, करेक्ट। अब कोच सर मुझे हमेशा पिछले वाले रात को अगले दिन का न्यूट्रिशन भेजते हैं बेस्ड ऑन मेरी फिजीक कैसे दिख रही है, मैं कितना वाटर होल्ड कर रहा हूँ एंड सो ऑन।
अब कल रात को मुझे एक डॉक्यूमेंट आता है और वो डॉक्यूमेंट एक और लोकापडे है। मेरा दिमाग हिल गया क्योंकि मैं खुद को मेंटली बता रहा था कि कल से हमें काब्ज मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं, बस पुश कर, थोड़ा सा और बचाया। और फिर मुझे दिखता है कि एक और लोकापडे। फिर मैंने कोच सर को मैसेज किया कि ये करेक्ट है डेट वो सब। फिर से ओ ओके ओके सॉरी सॉरी। फिर उन्होंने अपडेटेड वाला भेजा और वो PDF खोलने के बाद जो खुशी मुझे महसूस हुई वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई फील लाइक वो देखने के बाद उस प्लसीबो इफ़ेक्ट की वजह से ही मेरे पूरे एनर्जी लेवल्स ऊपर चले गया है। पर आज के न्यूट्रिशन की अगर बात की, क्या आप सब रेडी हो? हेलो हेलो हाँ उदित आज रोको छोड़ ला मतलब रेक्टर 230 पर थे वो कभी डायरेक्टली हाँ मैं घर ही है घर ही है घर ही है चल चल हाँ ये तो बाय। एनीवेज आज के अगर न्यूट्रिशन की अगर बात की, आज हम 3000 से ऊपर कैलोरीज कंज्यूम करने वाले हैं जिसमें से 600 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है। हाई कार्ब डेज पे हम जिस प्रकार से बचे हुए मैक्रोज को एडजस्ट करते हैं वो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। ये बात है कि टोटल कैलोरीज अगर इतने हैं और इसमें से मेजॉरिटी अगर कार्ब से आ रहे हैं तो बचे हुए जो दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है यानी फैट्स और प्रोटीन उनके लिए कम जगह बचती है। सो प्रोटीन की जो बेस मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वो हम रीफीड डेज पे कंज्यूम करते हैं। थ्रू आउट प्रेप हमारा प्रोटीन यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं अराउंड 160-170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था क्योंकि एक कैलोरी डेफिसिट में प्रोटीन हाई रखना एडवाइजेबल इसीलिए होता है ताकि आपकी मसल लॉस की रिस्क थोड़ी सी मिनिमाइज हो। और फैट्स हार्मोनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमने 60 ग्राम्स के आसपास रखे थे 60-70 और बचे हुए कैलोरीज को हम कार्ब से भर रहे थे। अब इन अगले 3 दिनों के लिए क्योंकि ये अगले 3 दिन हाई कार्ब डेज है हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल कुछ ऐसे दिखेगी। मेजॉरिटी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आएंगे। प्रोटीन को हम केजीज में हमारा बॉडी वेट लेंगे उसे 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम 140-145 इस लो नंबर पे लॉक करने वाले हैं। अब मे बी आप पूछोगे पर भाई मसल लॉस का क्या? मसल लॉस की रिस्क इस केस में इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वी आर नो लॉन्गर इन अ कैलरी डेफिसिट। हम 3000 से ऊपर कैलरीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे मेरे बॉडी का स्ट्रेस चला जाने वाला है। हम एक सरप्लस में एंटर करने वाले हैं और एक कैलोरी सरप्लस में अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेंगे तो इट कॉजेज अ प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट। इसका मतलब अगर आप मिनिमम बेसलाइन प्रोटीन भी अगर कंज्यूम करोगे तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से स्टिम्युलेट होगी बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ सरप्लस एंड बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स। अब बात आती है फैट्स की। फैट्स को हम 40 ग्राम्स पे लॉक करेंगे। फैट्स के साथ फंडा ये है कि प्रोटीन और कार्ब्स के कंपैरिजन में फैट्स पर ग्राम थोड़े से ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब कंटेन्स 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज। और अभी हमारे पास जो भी 3000-3500 का कैलोरी बजट है हमें उनमें से मेजॉरिटी कैलोरीज कार्ब्स में खर्च करने हैं ताकि हमारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स अगले 3 दिनों में अच्छे से भर सकेंगे। आई होप दैट हेल्प्स। अभी मैं इस मील को अच्छे से एंजॉय करूँगा। मेरे मुंह में बहुत सलाइवा आ रहा है। ऑनेस्टली काफ़ी न्यूट्रल फीलिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें बहुत खाना खाने को मिल रहा है बट आई एम नॉट गेटिंग ग्रीडी। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत भूख लगी है। हमने पिछले 11 हफ्ते डाइट इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास एक पर्पस था। हम ये फूड एक पर्पस के लिए खा रहा है वो है कॉर्टिसोल लेवल्स कम करना, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस वापस ऊपर लाना और ग्लाइकोजन रिजर्व्स फिल करना। तो इसमें कोई इमोशनल कंपोनेंट नहीं है। मैं पर्पस के लिए खाता हूँ, प्लेजर के लिए नहीं। चीयर्स बॉयज। रीफीड चालू हो गया है। अवधूत वेलकम।
अवधूत, तेरे पास गैस करने के लिए एक ट्राई है, यहाँ पर आ जा। इस बोल के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ ओट्स थे ये तुझे गैस करना है। 250। एक और चांस है। मोर और लेस? लेस। 180 ग्राम। क्लोज। 200। कार्ब अप शुरू हो गया है। जिम जाने के पहले अपने हेल्थ के लिए हम लेने वाले हैं फिश ऑयल और मल्टीविटामिन। इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट पे साकेत 30 इस्तेमाल करोगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। आए खतरनाक वाला बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है तो वाला कर तो वाला ऐसा होता है कि प्रेप ऑलरेडी संपलेली है। टेक्निकली संपली है ना। हाँ, कैलोरी डेफिसिट का जो पोर्शन होता तो काल संपला, बल्क चालू झाला। बस वार्म अप करते समय मुझे अपने क्वाड में बहुत ज़्यादा फ्रीकीनेस दिख रही है। कैमरा मध्य दिखता है अदूत, ये देखो, ये बस ट्रेलर है। एंड में देखो, क्योंकि हम आज का सेशन लेग एक्सटेंशन के साथ ख़त्म करने वाले हैं, तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। पर अभी के लिए जोन में जाते हैं, 20 स्क्वाट मशीन के 3 सेट लगाते हैं। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Good reps only. Not done yet. Good reps only. Not done yet. We got this. Help me out for the last rep. हमें मसल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है। वो प्रिंसिपल है कि हमें हमारे सेट्स फेलियर तक या फेलियर के बहुत करीब लेके जानी चाहिए, ताकि हमें हर सेट से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकेंगे। अब इस लॉजिक को पकड़ के ये पॉइंट समझने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग, उनके सारे फिजिक्स हमेशा अपर बॉडी डोमिनेंट होते हैं। मैं स्पेसिफिकली मेल्स की बात कर रहा हूँ, एंड आई बिलीव उसका रीज़न ये है कि अगर मैं किसी भी मर्द को चेस्ट पे फेलियर तक जाने के लिए बोलूँगा,
ए उसको मज़ा आएगा क्योंकि किसको एक बड़ा चेस चाहिए नहीं, एंड नंबर टू कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। लेग्स में आई फील लाइक आपके ग्लूट्स और आपके क्वाड्स, इनका जो स्ट्रेंथ पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको सेम स्टिमुलस पाने के लिए 4 प्लेट 3.5 प्लेट इतना वेट अपने पीठ के ऊपर रखते हुए अपने टारगेट मसल ग्रुप को फेलियर तक लेके जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ नॉट ईजी क्योंकि इसमें सिर्फ आपके क्वाड्स या सिर्फ हैमस्ट्रिंग कर्ल या RDL के केस में सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, लोअर बॉडी को लोड करना आपके पूरे बॉडी को लोड करता है। इवन अगर आप लेग प्रेस करोगे इतने सारे जॉइंट्स और इतने सारे मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन, वो मेंटल पेन थ्रेशोल्ड, ये सारी चीज़ें एक बिगिनर को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर आप वो मास्टर कर सकते हो, ए आपको अच्छे लेग्स मिलेंगे और आपकी पूरी बॉडी की जो सिमेट्री है वो काफ़ी बैलेंस होगी, और बी आप मेंटली थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे जिससे आपके अपर बॉडी सेशंस इम्प्रूव होंगे और उनकी इंटेंसिटी आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाओगे। सो इट्स नॉट ईजी बट यू कैन डू इट। अब लोअर बॉडी स्पेशली क्वाड्स के लिए मेरा जो सिंपल स्केलेटन या जो सिंपल फॉर्मूला है वो है एक कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट। सबसे पहले आइसोलेशन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। आई फील लाइक दो अच्छे आइसोलेशन एक्सरसाइजेज है जो आप अपने क्वाड्स के लिए लगा सकते हो। पहला है लेग एक्सटेंशन, दूसरा है सिसी स्क्वाट। मैं पर्सनली सिसी स्क्वाट नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है और स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, सो आई स्टिक विद द लेग एक्सटेंशन। अब क्वाड के मेन कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट के लिए आई फील लाइक आपके पास बहुत वैरायटी है, बारबेल स्क्वाट, वी स्क्वाट, स्मिथ मशीन स्क्वाट, लेग प्रेस, ये सारे उसी सेम कैटेगरी में आते हैं। सो एज अ बिगिनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सारे मूवमेंट्स को एक बार ट्राई करें, ट्राई देम फॉर 12 वीक्स, फिर स्विच करो और देखो कि आपको सबसे बेहतर माइंड मसल कनेक्शन, सबसे अच्छा स्टिमुलस कौन सी मूवमेंट लगाने से आता है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ जॉइंट पेन। फिर एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन सारी एक्सरसाइजेज में से आपकी फेवरेट कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट क्या है। ऐसे 2-3 एक्सरसाइजेज पिक करो और उन्हें अपने टूल बॉक्स के अंदर रखो। मेरे लिए पर्सनली लेग प्रेस और हैक स्क्वाट ये मेरे अल्टीमेट क्वाड के फेवरेट प्रेसिंग मूवमेंट्स हैं और मैं इन दोनों के बीच में साइकिल करता रहता हूँ। मैं पिछले काफ़ी महीनों से लेग प्रेस कर रहा था, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इट स्टॉप्स फीलिंग द सेम। उस केस में आपके टूल बॉक्स की दूसरी एक्सरसाइज निकालो। ये चीज़ मैं अक्सर अपने चेस्ट के साथ भी करता हूँ। इनक्लाइन स्मिथ मैंने ऑलमोस्ट एक पूरे साल के लिए किया बट इट स्टॉप फीलिंग द सेम, इसीलिए इस प्रेप में मैंने मशीन चेस्ट प्रेस पे स्विच किया। अब जब वो बोर होता है आई विल कम बैक टू दिस। मे बी अगर आपने सिर्फ एक महीने पहले जिम ज्वाइन किया है तो मैंने अभी आपको जो भी बोला उससे आप इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर लिफ्टर को एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग और फिर वापस आके इस वीडियो को देखना, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने अभी अभी क्या क्या बोला। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Yeah. क्लास थोड़ा सेट ब्रो। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Yeah.
पार्शल पार्शल 40 Not done yet. Wow. अगर पर ट्रेनिंग सेशन हैमस्ट्रिंग्स की वॉल्यूम की बात की तो इन माई ओपिनियन बाकी के मसल ग्रुप्स के कंपैरिजन में हैमस्ट्रिंग्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं रहती, एस्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेप। मैं हैमस्ट्रिंग्स के सिर्फ 3 सेट पर लेग डे लगा रहा हूँ। और अगर हैमस्ट्रिंग कर्ल की बात आती है तो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल और लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल दो ऑप्शंस हैं जो मैं अपने टूल किट में इस्तेमाल करता हूँ। करंटली मेरा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल पे माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही अच्छा है और मैं बिना किसी मोमेंटम के सारा स्टिमुलस अपने हैमस्ट्रिंग्स में ड्राइव कर सकता हूँ। अगर प्रोग्रेशन की बात की तो अब हम हमारा टॉप सेट 70 केजीज़ के साथ 40 टू 60 सेकंड्स के बीच में लगा रहे हैं, जो कुछ महीने पहले 54-60 ऐसा था, जो एक 2 ब्रिक का इंक्रीमेंट है एंड इट हैज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन माई हैमस्ट्रिंग्स। मैं चाहता हूँ कि आप सब हैमस्ट्रिंग्स को बाइसेप्स की तरह ट्रीट करो। अगर आपके जिम में एक लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन है तो डेफिनेटली उसे ट्राई करना, क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो एक प्रीचर कर्ल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इन द सेंस कि मुझे जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन अपने बाइसेप्स पे प्रीचर कर्ल्स लगाते वक्त महसूस होता है, सेम चीज़ मुझे अपने हैमस्ट्रिंग्स में महसूस होती है। और अगर आप अपना माइंडसेट अराउंड हैमस्ट्रिंग्स स्विच करोगे, आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट करोगे। बहुत लोग हैमस्ट्रिंग्स को एक आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट करते हैं, पर अगर आपको हैमस्ट्रिंग्स पे अच्छी इंटेंसिटी देने की आदत नहीं है, आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप अपने लेग डेज हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के साथ शुरू करो। ये करने से आपको आदत पड़ जाएगी टू गो इक्वली हार्ड ऑन हैमस्ट्रिंग्स, और फिर मैंने आज जो किया वो आप कर सकते हो। फिर आप वापस क्वाड्स के कंपाउंड मूवमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एंड बिकॉज वो आदत बनी हुई होगी, इवन दो दैट इज़ योर सेकेंड मूवमेंट, यू विल गो इक्वली हार्ड ऑन इट। अभी हम जाके लेग एक्सटेंशन लगाते हैं। अभी इस ट्रेनिंग सेशन का असली मज़ा आने वाला है, क्वाड सेपरेशंस, स्ट्राइशंस, वेन्स। आई एम एक्साइटेड, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Partial. Class. अभी बॉडी के अंदर जो भी कार्ब्स है उनका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, स्ट्रेंथ पीक पे है, फिजिक इज लुकिंग गुड। टू मोर सेट्स। Good reps only. Next set I'll need you.
Not done yet. खतरनाक वेन पण दिसते. Not done yet. Parcels. Calves. Not done yet. Not done yet. Oh. पता है, I hate a job. लोग calves को neglect करते हैं. I feel like हमारी जो lower body होती है, वो in its own unique way बहुत beautiful होती है. क्योंकि एक कंप्लीट एस्थेटिक लुक के लिए इतने सारे छोटे छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं जो उस कंप्लीट लुक में असिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एडक्टर्स, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, ये तीन लोअर बॉडी के एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंट और इतने बड़े मसल ग्रुप्स हैं, पर लोग उन्हें निग्लेक्ट करते हैं. जब लोगों के दिमाग में लेग डे आता है तो इंस्टेंटली वो क्वाड्स पे ही आता है, क्योंकि क्वाड्स सामने होते हैं, टीयर ड्रॉप होता है, एस्थेटिक दिखता है. एस्थेटिक दिखता है यस, पर पता है और कंप्लीट और अच्छा क्या दिखेगा? अगर ये छोटे छोटे मसल ग्रुप्स भी डेवलप्ड हो, उससे लोअर बॉडी को एक बहुत ब्यूटीफुल अपीयरेंस आता है. एंड दैट इज़ समथिंग आई वांट टू रीच बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो लोअर बॉडी में बहुत मास पुट ऑन करना, ये मेरा प्राइमरी गोल है. अगर आप मुझे एक बटन दोगे, अगर मैं उस बटन को प्रेस करके अपने अपर बॉडी को सेम रखते हुए लोअर बॉडी में बहुत मसल पुट ऑन कर सकता हूँ, आई विल प्रेस दैट बटन. क्योंकि जिन लोगों की लोअर बॉडी डेवलप होती है, मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है. यूजुअली शूट के बाद मैं हमेशा घर पर जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी गाय रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है. लेकिन आज हमारे फाइनली 10 के हो गए, बहुत स्पेशल दिन है. हमने रिकॉर्ड किया था मोमेंट, आपने देखा होगा. यस. और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम दोराबजी जा रहे हैं. एक्चुअली हम पहले घर जाने वाले थे पैनकेक सेलिब्रेशन बनाने के लिए, पर पैनकेक्स बनाने ही है तो क्यों ना ऐसे पैनकेक्स बनाए जो थोड़े से बेहतर टेस्ट करते हैं, ये मुझे लगा. तो अभी हम दोराबजी जाके बेल्जियन वॉफल का चॉकलेट पैनकेक मिक्स ये लेने वाले और हम उसी जगह बैठेंगे जहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ था. यस, फर्स्ट वीडियो का मुझे तो बहुत अनरियल प्राउड वाली फीलिंग आ रही है. मला मी डिस्क्राइब नहीं करू शकत, मे बी मराठी मध्ये थोडा काहीतरी आहे, पण हिंदी मध्ये तर नाही. हिंदी मध्ये तर नाही जमत. व्हेरी प्राउड ऑफ यू सर, व्हेरी थैंक यू. और मतलब मुझे पता है बाकी इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे कभी लगा नहीं था कि 10 के हो गए, लेकिन मुझे पता था हो गए.
मुझे भी पता था, मुझे पता था बस पता नहीं था इतनी जल्दी इतने जल्दी हो गए। और एक और गुड न्यूज़ क्या है पता है, आज मेरा रिफीट डे है तो मैं एंजॉय कर सकूंगा उसके साथ। लेट्स गो, बेस्ट अच्छा दिन है, अच्छा दिन है मेरे बर्थडे। सो हम दोराब जी पहुंच तो गया पर मेरे जो कपड़े हैं वो थोड़े से इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि ये शॉर्ट्स कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है। सबको कौन बांध दे, अब मैं ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, लेट्स होप स्लिप ना होते। अरे 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 तुम कब आए? हाई प्रोटीन सेलिब्रेशन चॉकलेट 125 ग्राम्स मेरे लिए। पहले मैं अपना बनाऊंगा फिर अवधूत का बनाऊंगा ताकि वो सेकंड होगा गर्मा गर्म ना। अपन दोन पान का नहीं वापरत है, एक इकड़े एक तिकड़े। मिनिमम अमाउंट ऑफ बटर। अरे तुझे बारी, क्या दिन है सेलिब्रेशन। त्या दिवशी पेक्षा मस्त आहे।